ओमकारेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम कोठी स्थित साध्वी रितांबरा के आश्रम में संचालित गुरुकुल स्कूल की आदिवासी चार छात्राओं की नहर में डूबने से मौत का मामला पुलिस ने वार्डन पूनम सिंह और चौकीदार बिहारी लाल यादव पर गैर अदालतन हत्या का मामला दर्ज किया। आदिवासी समाज के अनेक संगठनों के द्वारा प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने से और इंटरनेशनल कथावाचक साध्वी रितांबरा के आश्रम पर चार बालिकाओं की डूबने से मौत का मामला गरमाने के बाद प्रशासन पशुपेश में था, क्योंकि एक तरफ हाई प्रोफाइल साध्वी रितांबरा और दूसरी ओर लगातार आदिवासी संगठनों के धरना प्रदर्शन के बीच पूरा मामला पुलिस प्रशासन के गले की हड्डी बना हुआ था। अरे राज्य पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पिछले हम 11 बजे से आगे थाने बैठे हैं साथियों, और इन लोगों ने एक भी हमारे पर एक्शन नहीं लिया, एक भी हिफाजती नहीं करी, झूठे सिपाह सूचन दिया, कुछ नहीं करा इन लोगों ने। एसबीआई बोले 4-8 दिन के मोहलत, और कितना ओमकारेश्वर में अंधाता में जो आश्रम में चार बच्चों के डूबने से मृत्यु हुई थी, उसमें जो जांच कर रही थी पुलिस, उसमें फिर जांच के आधार पर हमने धारा 304A IPC के अंतर्गत पूनम और बिहारी यादव जो दो के खिलाफ इसमें हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है, प्रकरण विवेचना में है और विवेचना अनुसार अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी उसमें जो विवेचना के बिंदु कंप्लीट होंगे और उसके आधार पर ही इसमें अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। ओमकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट।